दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हमारे किचन में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हर घर में होता है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं होती है जिसमें हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल ना करते हों। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो कच्ची हल्दी होती है दोस्तों, जो मोस्टली सर्दियों में ही मिलती है, वो देखने में तो अदरक की तरह होती है, लेकिन काटने पर अंदर से पीले रंग की होती है। और कच्ची हल्दी जो होती है वो हल्दी के पाउडर से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जिनको पता है वो हल्दी का सेवन तो करते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखने के बाद कच्ची हल्दी का सेवन जरूर शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ जो मसाले होते हैं उनका उपयोग करते हैं हम खाने को स्वादिष्ट बनाने में और सुगंधित बनाने में। इनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारी बॉडी से कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही जो हल्दी होती है वो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कच्ची हल्दी भी कई गुणों से भरपूर होती है। ये हमारी बॉडी में अगर कोई सूजन है तो उसको कम करने में मदद करती है। इसके अलावा गठिया और हृदय रोग के खतरे को भी कंट्रोल करने में सहायक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कच्ची हल्दी के फायदे के बारे में। इसके अलावा इस कच्ची हल्दी से मैं एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही हेल्दी होगी, साथ ही एकदम कम तेल मसालों के साथ होगी। तो यहाँ पर जो हमारी कच्ची हल्दी होती है वो सबसे पहले जो गुण होती है इसमें वो होती है एंटीऑक्सीडेंट का। ये बहुत ही रिच सोर्स होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो कच्ची हल्दी होती है वो पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करती है। इसका सेवन करने के लिए आप जो है इसको पीस कर गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि कच्ची हल्दी में होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो होता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये थोड़े से कड़वे स्वाद की होती है, इसमें आप शहद डालकर पी सकते हैं। अगर आप रेगुलरली कच्ची हल्दी का सेवन करें तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो हल्दी जब हम इस तरह से पीते हैं ड्रिंक की तरह, तो इसे डिटॉक्स ड्रिंक का भी नाम देते हैं। अब जो दूसरी चीज होती है कच्ची हल्दी का, वो होता है पाचन। पाचन में सुधार करता है। कच्ची हल्दी जो होता है वो पाचन को स्वस्थ रखता है या अपच और सूजन के लक्षणों को कम करने में हेल्प करता है। हमारा जो लीवर होता है यानी कि आंत, इसके हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। कच्ची हल्दी के सेवन से हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बूस्ट होता है, जिससे हमारा वेट लॉस भी होता है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है इस कच्ची हल्दी की मदद से। कच्ची हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेली रात में सोने से पहले आप एक गिलास दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हल्दी जो होता है संक्रमण और बहुत तरह की बीमारियों से बचाती है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी पेन है, दर्द है, तो ये उसे राहत दिलाने में कारगर होती है। कच्ची हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसका उपयोग अक्सर गठिया और अगर हमारे मसल्स में पेन है तो उस जैसी समस्याओं को कम करने में किया जाता है। आयुर्वेद में तो हल्दी का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो अगर आप अक्सर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या फिर पूरी सर्दी हल्दी की सब्जी थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं, जिससे हमारी सेहत में सुधार होता है। आप स्किन की किसी समस्या से परेशान हैं तो पोषक तत्वों से भरपूर कच्ची हल्दी स्किन से जुड़ी हर समस्या को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की सूजन, मुहासों को कम करने में मदद करते हैं। आप हफ्ते में एक बार कच्ची हल्दी को पीसकर चेहरे पर लगाइए, फिर आप देखिए कि कैसे आपकी स्किन ग्लो करती है। हाई बीपी को कंट्रोल करती है, कब्ज से राहत दिलाती है। तो इस तरह से कच्ची हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। कच्ची हल्दी जो होती है वो कैंसर में भी फायदेमंद होती है। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जो हमारे कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। कच्ची हल्दी हमारे मुंह, आंत, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में फायदेमंद होता है। शरीर में ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होकर कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कच्ची हल्दी में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण तो होते ही हैं। इसके अलावा इसमें एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी कि हृदय को स्वस्थ रखने वाला गुण,
हेप्टोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर को स्वस्थ रखने वाला गुण और नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी कि किडनी को स्वस्थ रखने वाला गुण सबसे मेन होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं हल्दी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने कच्ची हल्दी को क्या किया है, अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इसको वॉश कर लीजिए, काटने के बाद इसको वॉश करने की गलती ना करें। इसको छीलने के बाद ही 1 से 2 पानी अच्छे से धुल लीजिए और उसके बाद से इसे बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसके बारीक टुकड़े काटे हैं, तो सारे बारीक टुकड़ों को आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं या फिर सिंपल नाइफ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम सब्जी को करेंगे तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। सरसों का तेल जो है बस मैंने 1 से 2 छोटा चम्मच लिया है। सरसों के तेल में हम लगाएंगे कुछ चीज़ों का तड़का। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई। मैं यहाँ पर जो मसाले होते हैं, जीरा, राई, अजवाइन, सौंफ, मेथी, ये जो हमारे पंचफोरन वाले मसाले होते हैं, इन्हीं से मैं हल्दी की सब्जी का तड़का लगा रही हूँ। मैंने डाला है थोड़ा सा हींग। अब जब हमारे ये मसाले तड़क जाएं, तो आप जो है कच्ची हल्दी को डाल दीजिए। यहाँ पर हमें लहसुन, प्याज, इस तरह के किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। बस जो पंचफोरन के मसाले होते हैं, सर्दियों वाले अचार के मसाले, वही मैंने डाले हैं। थोड़ी सी कलौंजी भी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद से जो कच्ची हल्दी को काट कर रखा है वो हल्दी में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम हल्दी लेकर इसको सारे को चॉप करके रखा हुआ था। अब इस तेल में हम क्या करेंगे, हल्दी को अच्छे से मिलाएंगे। जब ये तड़के में हमारी हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आपको क्या करना है, हल्का सा फैलाकर हल्दी को आप 1 से 2 मिनट कढ़ाई में फ्राई कर लीजिए। दोस्तों, जिस भी बर्तन में हम कच्ची हल्दी की सब्जी बनाते हैं वो थोड़ा सा पीला पीला सा हो जाता है, तो उसको आप बाद में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी अब जब हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तब मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इसलिए क्योंकि हल्दी में एक तरह की थोड़ी सी कराच होती है, तो इसके दबाने के लिए हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही डाला है थोड़ा सा धनिया का पाउडर। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, सारे मसाले और नमक को अच्छे से मिला लीजिए। कच्ची हल्दी की सब्जी जो होती है वो पानी नहीं छोड़ती है, तो इसे आप सिम फ्लेम पर ही बनाएं, नहीं तो ये जल जाती है। अब इसके बाद से जब सारे मसालों और नमक को मिक्स करेंगे, तब आप इसको ढककर छोड़ेंगे 4 से 5 मिनट। 5 मिनट या फिर 7 मिनट लगते हैं जब हमारी सब्जी बिल्कुल गल जाती है और ये एकदम ड्राई सी हो जाती है। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ कर इस सब्जी को खा सकते हैं। ये जो सब्जी होती है बिल्कुल अचार के जैसे बनती है बिना पानी के, तो इस सब्जी को आप फ्रिज में रखकर आराम से 10 से 15 दिनों तक खा सकते हैं। बिल्कुल अचार की जैसी सब्जी है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल डेली 1-1 चम्मच करिए। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाएंगे, सिर्फ 1-1 चम्मच सब्जी आप दोनों टाइम हल्का हल्का खाने के साथ अचार की तरह ले लीजिए। ये जो कच्ची हल्दी होगी आपकी बॉडी में बहुत सारे फायदे कराएगी और आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करिएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।